हमारे बहुत साथी आजकल पूछते हैं कभी फोन से कभी आकर के कि सर टीजीटी की तैयारी में यदि आप पहले से पढ़े हैं, यदि आप पहले से स्वाध्याय किए हैं तो आपके लिए अधिकतम 8 दिन चाहिए। 5 3 8 कितने दिन चाहिए भैया? 8 दिन चाहिए। यानी हर एक ग्रंथ 7 ग्रंथ हैं और एक बाबूराम सक्सेना। 8 दिन में आप अपने ग्रंथ को अच्छे से दोहरा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसको अतिशयोक्ति नहीं समझना। 24 घंटे होते हैं, 8 10 घंटे सोने होने में निकाल दिया जाए तो आप आराम से 7 8 घंटे यदि बैठ रहे हैं, और आजकल आप बैठ ही रहे होंगे बिना कहे, इतना प्रेशर में कि बैठ रहे हैं। पर शर्त यही है कि जब जिस ग्रंथ को लेकर के बैठे तो उसी बस को पढ़ें। एक दिन आप किरातार्जुन नियम पढ़िए, एक दिन आप अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थंग पढ़िए, एक दिन आप नीरशतक पढ़िए, एक दिन मेघदूत पढ़िए, एक दिन शिवराज विजय पढ़िए, एक दिन शुकनाशोपदेश पढ़िए, और मान लो 2 दिन आप बाबूराम सक्सेना पढ़ लीजिए। तो 7 2 9 माने 9 दिवसीय कार्यक्रम या 8 दिवसीय, अधिकतम 10 दिवसीय कार्यक्रम रखिए। अभी तो 15 दिन है, तो आप टीजीटी में 15 दिन में तो पहाड़ खोद लेंगे गुरु। आप एकदम चिंता मत करिए, 10 15 दिन आपके लिए बहुत हैं। आप थोड़ा बहुत तो पहले से स्वाध्याय किए हैं, कुछ तो किताबें पढ़े हैं, कुछ तो आप यहाँ पर एक बार वाचन किए हैं, तो एक दिन डूब करके किसी चीज को पढ़िए, तब भी आप फाइट कर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और खासकर जो लोग साल साल भर से तैयारी कर रहे हैं, जो जो 6 6 महीने से 2 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को तो एकदम निश्चिंत रहना चाहिए, अपनी लाइफ फिट रखनी चाहिए। ऐसे पीजीटी वाले साथियों के लिए एक एक दिन, एक दिन आप कादम्बरी कथामुख लेकर के बैठिए। कितनी अदनी सी कादम्बरी कथामुख, शुरू से लेकर शाम तक आप सारी शुक्तियां सारा कुछ कथानक पढ़ जा लिए, हिंदी हिंदी पढ़ जा लिए, वाचन कर डालिए। एक दिन बहुत होता है, सच में करके देखिए, जो मैं किया हूँ वो बता रहा हूँ। शिवराज विजय वो आप महाकाव्य लेकर के बैठिए, माघ का काव्य शिशुपाल वध लेकर के बैठिए, सुबह से शाम तक 75 श्लोक हैं, बहुत अच्छे से कर लेंगे। ऐसी 2 दिन मान लो काव्य प्रकाश में आप समय दीजिए, एक दिन दशरूपक में समय दीजिए, एक दिन वेदांत सार में, एक दिन सांख्य कारिका में, एक दिन गीता। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ने की बात कर रहा हूँ, पहले तो कुछ तो पढ़े होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज ही से शुरू कर रहे हैं, सब पहले का पढ़ा हुआ है। एक एक दिन दोहराने में रखिए, बड़े आराम से जितने ग्रंथ होंगे उतने दिन रख लीजिए। अभी तो आपकी 17 18 अगस्त को परीक्षा है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, बिना घबराए बिना हड़बड़ाए। तो ये मैं आपसे ये बताने आया था आज की इस वीडियो में कि भैया टीजीटी के लिए अधिकतम 10 दिन और पीजीटी के लिए 15 20 दिन, और अभी भी 15 20 दिन का समय है पीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए 10 से दिन 10 से तो ज्यादा ही का समय है, इसलिए बड़े आराम से आप इसको पूरा दोहरा सकते हैं, अच्छा कवर कर सकते हैं, और परीक्षा की इतनी औकात नहीं कि आपसे बड़ी हो जाए। परीक्षा को ताल ठोंक के कहिए कि टीजीटी 8 दिन बाद तुम मुझसे लड़ने आओ, और मान लो थोड़ा कमजोर है तो टाल ठोंक के कहिए कि 10 दिन बाद आओ, तुमको मैदान में मिल लेते हैं, देखे तुम्हारी औकात कितनी है। 10 दिन बाद परीक्षा की औकात इतनी हो जाएगी, आपकी औकात बहुत बड़ी हो जाएगी। औकात का मतलब आप अपने ज्ञान बल से उसको धाक जमा लिए, और इतना आपने पढ़ा है, फिर आपके पास समुष्टित गंगा है, हम हैं, किताबें हैं, आपके चिंता करने वाले आपके घर के लोग हैं, आपकी माता है, पिता है, पति है, भाई है, बहन है, और इतने लोगों का आशीर्वाद आपके पास है, इतना आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, आपका आत्मविश्वास है, फिर आप क्यों डरते हैं? तो मैं बार बार कहूंगा कि देखिए, मैं परीक्षा से पहले आपको इतना आत्मविश्वासी बनाना चाहता हूं, हम परीक्षा के पहले आपको खुद से खुद पर इतना विश्वास आपको हो जाए कि आप अपने आत्मविश्वास से 4 5 क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे, अकड़म बकड़म बम्बे पो भी मार देंगे तो सही होगा। आत्मविश्वास के साथ मारिएगा, बस वो सब कुछ सही होगा। और हड़बड़ा के घबरा करके बड़ा परेशान होकर के तो कभी बहुत बार होता है कि आदमी सही लगाता है, बाद में हड़बड़ा के उसको काट करके दूसरा बदल देता है, और जब जब आप दूसरा बदले होंगे तब तब गलत हुआ होगा, आप देख लीजिए। वो घबराहट है, वो हड़बड़ाहट है जो आपको प्रेशर में लाती है, दबाव में लाती है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि टीजीटी के लिए अधिकतम 10 दिन और पीजीटी के लिए अधिकतम 20 दिन में सारे कोर्स को दोहरा करके आप अच्छी फाइट में आ सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इतना तो बहुत है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार संस्कृताय।